देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, राजस्थान में क्षत्रिय लोगों ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें इतनी भीड़ आ गई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सड़कें जाम नजर आईं और साथ ही साथ जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया था जयपुर में, वहां पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आते रहे, सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आई। लेकिन भीड़ अलग अलग कोनों पर भी नजर आती रहती है। मसलन कल मैंने बिहार की बात की थी जहां पर एक भीड़ नजर आई थी, आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की जहां पर भीड़ है। मैं आपको बता दूं कि बीकानेर, जयपुर और उदयपुर वेटनरी कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले महीने प्रदर्शन किया गया था और ये प्रदर्शन कई जगहों पर रंग रूप नया नया ले रहा है। लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं करना चाहता या फिर इनको दरकिनार कर दिया जाता है। वेटनरी इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है, ये सवाल लाजमी है। जब MBBS के डॉक्टर्स के साथ ये भेदभाव नहीं होता, दोनों को समानांतर क्यों नहीं नापा जाता, इसको नापा जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार हम सीरीज कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि किस तरीके से छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, राजस्थान का ये वीडियो। हम वेटनरी पशु चिकित्सा के अंदर इंटर्न डॉक्टर है जो अपने इंटर्नशिप भत्ते के लिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारा इंटर्नशिप भत्ता जो अभी 3500 रुपये प्रति माह है उसको बढ़ाकर मेडिकल के समकक्ष किया जाए, क्योंकि हमारी सेवाएं भी मेडिकल के समकक्ष है। हम राज्य के विभिन्न पशु चिकित्सालयों, TVCC एवं जंतुवालय में अपनी सर्विस देते हैं और लेकिन सरकार हमें उतना वेतन नहीं देती है। हम चाहते हैं कि इस भत्ते को बढ़ाकर मेडिकल के बराबर किया जाए। एक महीने में इन इंटर्न डॉक्टर्स को 3500 के लगभग रुपए दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा रुपए कोई भी आम मजदूर कमा लेता है, ऐसी इनकी शिकायत है। इसके साथ इनकी एक और शिकायत है कि MBBS डॉक्टर्स जो इंटर्न्स हैं उनको 14500 से 15000 रुपए मिलते हैं, तो फिर इनको 3500 रुपए क्यों दिए जाते हैं, ये भी तो मैमल्स का ही इलाज करते हैं, तो पशु चिकित्सालय क्या बंद कर दिए जाएंगे जब ऐसे इंटर्न्स यहीं पर हार मान जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, जब पशु चिकित्सकों की तरह साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाएगा तो क्या एक सशक्त भारत बन पाएगा, क्योंकि हर तरह के डॉक्टर्स की आवश्यकता है। जब कोरोना काल में MBBS डॉक्टर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे तो वो कोरोना वॉरियर्स कहला रहे थे, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि कोरोना काल में ये डॉक्टर्स भी लगातार पशु चिकित्सा में लगे हुए थे, पशुओं की देखभाल कर रहे थे, तभी ग्रामीण अंचलों में कोई समस्या देखने को नहीं मिली। इस देश में पशुओं को एक धन माना गया है, इसलिए हम उनको पशुधन कहते हैं, तो पशुधन का इलाज करने वाले डॉक्टर आखिर धन से इतना दूर क्यों है, इनको उतना पैसा क्यों नहीं मिलता जितना ये काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इतना पैसा क्यों दिया जाता है जिसका अगर तोल मोल निकाला जाए तो उतना पैसा किसी भी मजदूर को मिल जाता है। तो क्या पढ़ाई लिखाई करके पशुओं का इलाज करने वाले इन डॉक्टरों के साथ यूं ही भेदभाव होता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कल हमने बिहार की बात की थी जहां पर वेटनरी कॉलेज के जो इंटर्न स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर बीकानेर से लेकर जयपुर तक हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लगातार ये वेट डॉक्टर्स अपनी मांग रख रहे हैं, साथ ही साथ PG में फेलोशिप बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं है। नजर है तो इस बात पर कि सचिन पायलट जब मंच पर आए तो कितने लोगों ने सचिन पायलट के नाम का नारा लगाया, कितने लोग अशोक गहलोत को सुनने पहुंचे या फिर कितने लोग जब वसुंधरा राजे राजस्थान पहुंची तो कितने लोग उनके सामने आए, लेकिन किसी भी कैमरे की नजर इन लोगों पर नहीं है। ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की मांग अगर पहली दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल जायज लगेगी, तो प्रथम दृष्टया जो मांग जायज लगती है उसको लेकर सरकार इतनी हीला हवाली क्यों कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इनके लिए आवाज नहीं उठाना चाहता। राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने वेटनरी इंटर्नशिप अलाउंस को बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान के एनिमल हस्बेंड्री मंत्री लालचंद कटारिया के सामने पूरी बात रखी थी। उस वीडियो को आपको एक बार दिखाता हूं। पूरा प्रदेश पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम पश्चिमी पूरे राजस्थान में हम सब अधिकांश लोग पशुपालन और किसान समुदाय से आए हुए हैं। माननीय मंत्री जी, आप विराजमान हैं, आपके पड़ोस में रघु शर्मा जी बैठते हैं, वो मेडिकल के डॉक्टरों के मंत्री, आप पशु डॉक्टरों के मंत्री। जब हम 200 लोग जो 8 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप में रघु जी में कोई फर्क नहीं करते, दोनों माननीय मंत्री है। तो रघु जी के डॉक्टर को तो इंटर्नशिप में 14000 दे रहे हो आप, और आप वेटनरी डॉक्टर को कितना दे रहे हो माननीय मंत्री जी? 3500 रुपये। 3500 रुपये मतलब दिन का 115 रुपये भी आप वेटनरी के इंटर्न छात्र को नहीं देते, वो भी उसी क्वालिफिकेशन के लेके डॉक्टर बनता है,
वो भी वही एग्जाम देता है, वो भी वही 4 साल की डिग्री करता है, 6 महीने की इंटर्नशिप का देते हैं, और आपने मेडिकल स्टूडेंट्स की इंटर्न का भत्ता इस बार बढ़ा के 7,000 से 14,000 कर दिया, इनका तो 10 वर्षों से बढ़ाया ही नहीं है। तो ये जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, इस बात को भी, इस विसंगति को भी दूर करना चाहिए। अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी भी 234 रुपये होती है और हम डॉक्टर को 115 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं। हाईकोर्ट दिल्ली ने भी कहा है, माननीय मंत्री जी, वेट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेडिकल ऑफिसर्स। वेटनरी का डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर से किसी मायने में अलग नहीं है, किसी मायने में कम नहीं है। और VCI ने भी कहा है, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने भी कहा है, और आयुष के डॉक्टर को तो 23,500 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता मिलता है। हरियाणा में वेटनरी के डॉक्टर को 12,000 से 17,000 कर दिया गया है, कर्नाटका में 11 से 14 कर दिया गया है, केरला में 20,000 कर दिया गया है। तो जिनकी संख्या कम है, इन डॉक्टरों को भी वही अनुभव हासिल है। ये पशुपालन की रीढ़ है हमारा प्रदेश, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। उनको बचाने में, उनके संज्ञान में, उनकी मदद में हमारा डॉक्टर लगा रहता है। और अभी स्थिति जो आपने, राजेंद्र जी ने आपको बताई कि डॉक्टरों के पद कितने खाली, आपने जिस तरह सुपरवाइजर की भर्ती में इनिशिएटिव लेते हुए कृषि विभाग को स्ट्रेंथन किया है, उसी तरह माननीय मंत्री जी हम बात आपसे निवेदन करते हैं कि RPSC में कितने वेटनरी डॉक्टर्स की भर्ती अटकी पड़ी है, कितने समय से अटकी पड़ी है। जब इतनी पोस्टें खाली, इतने पद रिक्त हैं, तो आप RPSC की जो भर्ती वेटनरी डॉक्टर्स की है, उसको भी, जितने भी उसमें हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल है, उनको दूर करवाइए, इस भर्ती को कंप्लीट करवाइए, और पशुपालक जो हमारे है उनको डॉक्टर भी मिले, अस्पतालें खाली नहीं रहे। और माननीय मंत्री जी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्थिति तो यह है, मेरे नोखा विधानसभा का छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, 14-15 वेटनरी हॉस्पिटल है, उसमें 3 फर्स्ट ग्रेड है, उन वहाँ भी स्थिति है कि आधे से ज़्यादा पद खाली है। और किसी भी अस्पताल में जहाँ महिला डॉक्टर है, वो जलचर से लेकर महिला डॉक्टर तक एक ही काम है, एक ही पोस्ट है, वो कैसे अस्पताल चलाएगी। अभी FMD का जिक्र राजेंद्र जी ने किया, फुट माउथ डिजीज का वैक्सीनेशन का अभियान पिछले साल कितना जोरों शोरों से चला, देश की सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री किया, और दूसरे प्रदेशों में तो FMD दो दो बार होती है साल में, हम तो एक बार भी पूरा नहीं कर पाते। और जब इतना महत्वपूर्ण अभियान था, और मैंने जब VO और SVO की बैठक वहाँ ली, तो पहली बार उन्होंने कहा कि किसी विधायक ने हमारे डिपार्टमेंट को भी पूछा है, और मैंने कहा FMD का आप इतना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होने वाला है, और उसमें आप कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करेंगे, तो आपके पास डीप फ्रीज फ्रिज की व्यवस्था है कि नाम साहब, बीकानेर से वैक्सीन लाएंगे और गांव में फलां के घर पे फ्रिज है उस पर रखेंगे। अस्पताल हमारा फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी डीप फ्रिज नहीं है, हमारे जो अस्पताल है उनमें किसी में फ्रिज नहीं है। मैंने कहा मैं विधायक कोटे से आपको किस किस को फ्रिज चाहिए, डीप फ्रिज चाहिए, मैं विधायक कोटे से दूंगा, आप बताइए, एक भी डॉक्टर ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा क्यों रखना नहीं फ्रिज, कि साहब लाइट नहीं है, हमारे लाइट का कनेक्शन, विद्युत का कनेक्शन हमारे अस्पताल में नहीं है, फ्रिज का क्या करेंगे। ये स्थिति एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की है, ये बात आपके सामने भी रखी है और जिला प्रशासन के सामने रखी कि भाई इनको स्ट्रेंथन करना, इनको मजबूत करना, अस्पताल की स्थिति सुधारनी है। जिस तरह कोरोना काल को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा का अवसर मिले, और हमारे रघु जी ने और राजस्थान की सरकार ने भी कदम से कदम मिलाते हुए स्वास्थ्य सेक्टर को जितना मजबूत किया है, माननीय मंत्री जी आप पड़ोस में बैठे हैं, आप में रघु जी में हम कोई फर्क नहीं करते, रघु जी आप अपने डॉक्टर को इंटर्न का 14,000 रुपये देते हो इंटर्न डॉक्टर को, और आपके पड़ोसी कटारिया जी 3,500 रुपये देते हैं डॉक्टर को। ये भेदभाव की खत्म होना चाहिए, और हमारे वेटनरी छात्रों को, इंटर्न को पूरा पैसा मिलना चाहिए, 20,000 रुपये मात्र। 240 लोग साल में निकलते हैं, रघु जी के तो हजारों लोग साल में निकलते हैं। इस भेदभाव को खत्म करना चाहिए, वेटनरी की जो भर्ती RPSC में अटकी पड़ी है उसको लाइए, कंप्लीट करिए, अब उसके सारे ऑब्स्टिकल हटाइए, ताकि डॉक्टर अस्पतालों में डॉक्टर मिल सके। और कलेक्टर को पाबंद करिए, SDM को, तहसीलदार को पाबंद। अन्य राज्यों से आती इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रात में नाइट कर्फ्यू है और दिन में चुनावी रह गया, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नेता क्या सोच रहे हैं। सोच और सोच दोनों आपस में लड़ रहे हैं, रात में पता नहीं क्या सोच होती है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है, और दिन में पता नहीं कौन सी सोच होती है कि रैलियां ताबड़तोड़ होती है। हर नेता अपनी रैली में दिखाना चाहता है कि उसके यहाँ कितने लोग आए, हर कोई दिखाता है कि मेरे यहाँ ज्यादा लोग थे, और सामने वाला कहता है कि नहीं मेरे यहाँ ज्यादा लोग थे, और रात होते होते नाइट कर्फ्यू आ जाता है। मतलब ओमिक्रॉन जो नया कोरोना का वेरिएंट है, उसको भी पता है कि दिन में रैली है तो दिन में वो सोता है, रात में नाइट कर्फ्यू है
इसलिए रात में वो जागता है। हालांकि आपको बता दूं कि ठंड का मौसम है, मेरी तबीयत नासाज है। तबीयत नासाज है इसका मतलब ये है कि अगर कहने में कहीं पर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफी पहले ही चाहता हूं, लेकिन तबीयत खराब थी। इसके बावजूद सीरीज को नहीं रोका है, सीरीज को लगातार चलने दिया है। आज राजस्थान की बात की है, कल एक अलग जगह की बात करूंगा और वहां पर वेटनरी डॉक्टर्स किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं उस पर बातचीत करूंगा। लेकिन जब मैं बिहार की बात कर रहा था तब एक चीज देखी थी कि वेटनरी डॉक्टर्स कई सालों से इस तरह की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को नहीं आता। नीतीश कुमार कभी भी सुनने को नहीं आते, ऐसा ही राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पुरानी सरकार हो या अभी वाली सरकार हो, दोनों सरकारें आंखें मूंदे हुए हैं जब वेटनरी डॉक्टर्स सामने खड़े हैं। तो ऐसे में जब शुरुआती दौर में ही इन लोगों को इस तरीके की मुसीबतों के साथ गुजरना होगा तो फिर समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अगर ऐसा ही होता रहा तो इंटर्नशिप के समय ही वो सपना दम तोड़ देगा कि जब ये इंटर्न स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि आगे चलकर एक बड़ा पशु चिकित्सक बनेंगे, जब इंटर्नशिप में ही इतना पैसा मिलेगा कि ध्यान भटकेगा और मन भटकेगा तो इंसान किसी और नौकरी पर जाकर लटकेगा। तो क्या नौकरी के रास्ते बदल देने चाहिए? अगर बदल देने चाहिए तो सरकार को भी बता देना चाहिए ताकि कोई और युवा 12वीं पास के बाद वेटनरी डॉक्टर बनने की ना सोचे। पहले ही बता देना चाहिए कि आप वेटनरी डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन आप डॉक्टर केवल नाम के होंगे, क्योंकि आपको MBBS डॉक्टर नहीं समझा जाएगा। MBBS डॉक्टरों का जो स्वागत सत्कार और सम्मान होता है वो आपके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये समझने में मुझे भी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं जितना समझा उतना ये समझा कि वेटनरी डॉक्टर्स को तो अधिक सम्मान मिलना चाहिए। वो अधिक सम्मान इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जुबान वाले लोगों का इलाज MBBS डॉक्टर करते हैं, लेकिन बेजुबान लोगों का इलाज मतलब पशुओं का इलाज वेटनरी डॉक्टर करते हैं। वेटनरी डॉक्टर स्पेसिफिक रूप से किसी एक अंग का इलाज नहीं करते, लेकिन MBBS डॉक्टर अलग अलग अंगों का अलग अलग इलाज करते हैं। सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन पशुओं के लिए एक ही डॉक्टर होता है जो ऊपर से नीचे तक पूरा इलाज करता है। ऐसे में पशुओं के डॉक्टर के साथ ये भेदभाव कब तक इसी तरह जारी रहेगा और कब सरकारें इस पर सुध लेंगी? क्या प्रदेश सरकारें इस पर सुध नहीं ले पा रही हैं? अगर नहीं ले पा रही हैं तो केंद्र सरकार को इस पर सुध लेना चाहिए, और केंद्र सरकार भी अगर सुध लेने से बचती है तो सुप्रीम कोर्ट, जो स्वतः संज्ञान लेने में आजकल माहिर है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्योंकि एक बड़ा मसला है। अगर देश में पशु चिकित्सक बनना बंद हो गए तो एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पशुधन जिस देश का असली धन हो, जहां पर गाय को माता माना जाता हो और जहां पर पशुओं की देखभाल अच्छे से की जाती हो, जहां पर कुत्ता बिल्ली गाय सबका ख्याल रखना हर इंसान अपना कर्तव्य समझता हो, तो ऐसे में ये सोचना भी अहम होगा कि पशु चिकित्सक को हम किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग पैमाना होता है, आर्थिक स्थिति भी देखना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को 3,500 रुपये देकर सोच रहे हैं कि इतने में इनका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही इनका काम है, अगर किसी को लगता है कि इनका इतना ही काम है तो उनको भी समझना चाहिए कि किसका फिर कितना काम है। MBBS डॉक्टरों के काम को अगर उसी समय अवधि के बीच में ज़्यादा पैसों वाला आंका जाता है आर्थिक लिहाज से, तो क्या जो पशु चिकित्सक कर रहे हैं उसको आर्थिक लिहाज से ज़्यादा नहीं आंका जाता? क्या पशु चिकित्सक जो कर रहे हैं वो उतना ही आसान है कि जितना पकौड़ा तलना आसान है? अगर ये उतना ही आसान है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से देखें तो उतना ही कमाया जाता है, तो अगर पशु चिकित्सक उतना ही आसान काम करते हैं जितना पकौड़े तलना आसान है, तो क्यों ना पशु चिकित्सक अब पकौड़े तलने लग जाए, क्योंकि पकौड़े तलने में ज़्यादा समस्या नहीं आती, पकौड़े तलने के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 15 से 20 मिनट में रेसिपी सीखी जा सकती है। तो जो रेसिपी 15 से 20 मिनट में सीखी जा सकती है उसके लिए 3-4 साल की पढ़ाई का क्या मतलब? तो जब पढ़ाई बेमतलब हो चुकी है तो शिक्षा का क्या मतलब? और जब शिक्षा पर सवाल खड़ा है तो फिर पार्टियों पर भी सवाल होना चाहिए, सरकार पर भी सवाल होना चाहिए, और सवाल ये भी होना चाहिए कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन इनको कोई जगह क्यों नहीं मिल रही? राजस्थान इसमें कम्फर्ट जोन में है, राजस्थान इसमें थोड़ा सा प्रिविलेज्ड है कि वहां का एक विधायक इस बात को विधानसभा मंच पर लाता है और मंच के पटल पर इस बात को रखता है। इसके लिए बिहारी लाल विश्नोई जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक कर्तव्य को निभाया है। एनिमल हस्बेंड्री की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन कहां होती हैं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या बंद कमरों में, AC कमरों में फाइलों पर इनकी बातें होती हैं? क्योंकि सड़क पर तो ऐसा नजर नहीं आता। जब पशुधन की बात होती है तो पशु चिकित्सकों की बात क्यों नहीं होती? और पशु चिकित्सकों की अगर बात होती है तो फिर ऐसा क्यों है कि इनके साथ भेदभाव होता है? जब MBBS डॉक्टरों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, उनको हर तरह का सम्मान दिया जाता है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री के नाम पर पशु चिकित्सक पीछे क्यों रह जाते हैं?
इस पर भी ख्याल रखना होगा, इस पर भी ध्यान देना होगा और इस पर किसी एक सरकार को घेरने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये नैतिक आधार का भी मुद्दा हो सकता है लेकिन ये राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी सरकार कहीं से भी इस पर संज्ञान ले सकती है। मसलन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान देती है तो जरूरी है कि राजस्थान सरकार भी इस पर ध्यान देगी। तो शुरुआत कहां से होगी इसका इंतजार चल रहा है, शंखनाद कहां से होगा। हमारी सीरीज का शंखनाद बिहार से हुआ था और बिहार होते होते हम लगातार चलते रहेंगे, लगातार हर जगह की बात करते रहेंगे और तब तक बात करते रहेंगे कि जब तक एक आध वीडियो, एक आध प्रोग्राम कोई बड़ा नेता मंत्री नहीं देख लेता और उसका जमीर नहीं जाग जाता कि ये बात तो सही है लेकिन हम तक क्यों नहीं पहुंच रही। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि संज्ञान का भी मसला होता है, पत्रकार इन चीजों से बचते हैं, पत्रकार उन्हीं वीडियो को, उन्हीं खबरों को लाकर नेताओं के सामने, मंत्रियों के सामने रखते हैं जिन वीडियो और जिन खबरों से उनका व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, ऐसा अमूमन आजकल समझ में आता है। लेकिन जिस जगह फायदा नहीं उस जगह कोई कायदा नहीं और उस कायदे का कोई रिपोर्टर नजर नहीं आता। ऐसे में हमने फिलहाल उत्तर प्रदेश के अपने रिपोर्टरों को काम पर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रिपोर्टर्स से कहा गया है कि लगातार जहां भी ऐसे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉलेज हैं, जहां पर जो भी समस्याएं हैं उनसे खुद जाकर भली भांति वाकिफ होइए। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश में भी अपने रिपोर्टरों से समय लिया है और उनसे कहा है कि आप भी इस पर समय दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इस पर ज्यादा बातचीत करते रहेंगे और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी लाने की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं ताकि केंद्रीय मंत्रिमंडल तक इस पर भेजा जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल को हम एक सबूतों का पुलिंदा भेजना चाहेंगे जिस पुलिंदे के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ये समझ सके कि हाँ ये बात ठीक है कि वेटनरी डॉक्टर्स को जो भत्ता दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट करता है और अगर इसी तरीके से डिमोटिवेट ये छात्र होते रहेंगे, इसी तरीके से शुरुआती दौर में ही अगर पशु चिकित्सक इस तरीके से हतोत्साहित महसूस करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर वेटनरी डॉक्टर बनना बंद हो गए तो एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में दरअसल बात एक है कि हर चीज से ज्वाइंट होती है। अब अगर एक भी ज्वाइंट अगर टूटता है तो एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाएगी। तो उस समय का क्यों इंतजार करना कि जब ऐसी समस्या खड़ी हो जाए, जब उससे पहले ही लगातार लाल टोपी जिनको दिखती है तो लाल टोपी के साथ रेड अलर्ट भी दिखता है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, उन सम्मानित नेताओं से, कि रेड अलर्ट यहां भी देखिए। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है और ये एक तरह का रेड अलर्ट ही है। इसको रेड अलर्ट ही समझिए कि एक बड़ी समस्या आने वाली है। इसको लेकर अभी से ही आपको जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अगर अभी भी नेता नहीं जागे तो एक बड़ी समस्या आन खड़ी हो सकती है। उस समस्या पर क्या समाधान करना है, उस समस्या को किस तरह से लेना है, ये नेता खुद समझे। मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, प्रवचन देना नेताओं का काम होता है। मैं सिर्फ वचन की बात कर सकता हूं और वचन मैं देना चाहूंगा वेटनरी डॉक्टर्स को। वेटनरी डॉक्टर्स इतना समझ लें कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, जहां तक संभव होगा लड़ सकूंगा, जितने संसाधन होंगे वहां तक लड़ने की तमाम कोशिशें करता रहूंगा। लेकिन उससे पहले लगातार आती इन खबरों पर, इन बातों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने एडिटर महोदय से कहना चाहूंगा कि एक वीडियो है उसको जल्दी से हम प्ले करने की कोशिश करेंगे और उसको सुनाएंगे, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात रखना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें ऐसी चीज़ों पर, ऐसी जो बातें हैं उन पर ध्यान रखना होगा। जितना जल्दी हो सके हमें इस पर भी काबू पाना होगा कि किस तरीके से हम वेटनरी डॉक्टर जो इंटर्नशिप फेज में हैं, जो अपनी शुरुआती दौर में हैं, उनके साथ अन्याय ना करें। क्योंकि अगर इसी तरह से अन्याय होता रहा और किसी ने अगर ना सुनी तो समस्या आन खड़ी हो सकती है। अभी जल्दी से एक वीडियो बाइट आएगी, उस वीडियो बाइट में जो धर्म कुमावत साहब हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर बातचीत भी आम है, लेकिन अभी क्या कुछ होगा उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम बात आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है जिस पर हम जल्दी ही चर्चा करेंगे, वीडियो बाइट आ रही है उसको देखिएगा और देखने के बाद हम इस पर आगे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है और क्या कुछ हो रहा है। तो बातचीत यही है कि क्या कुछ हो रहा है। ये डॉक्टर्स हैं जो इंटर्नशिप फेज में हैं, जो किस तरीके से पशुओं का इलाज कर रहे हैं इसको आप समझ सकते हैं। तो इलाज जिस तरीके से हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। ये बिहारी लाल बिश्नोई जी हैं जो कि विधायक हैं, जिन्होंने विधानसभा के पटल पे वेटनरी डॉक्टर्स का पक्ष लिया, इनकी बातों को रखा था। लेकिन क्या बातों को रखने से समाधान होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
और समाधान कब होगा इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए जो युवा लड़ रहे हैं, इनकी बातों को अभी तक क्यों नहीं सुना जा रहा, जब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। वो जो युवा भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं, उनकी बातों को कब सुना जाएगा, उनकी बातों को क्या यूं ही दरकिनार करती रहा जाएगा, कब सरकारें जागेंगी और उनकी बातों पर ध्यान देंगी। लेकिन अभी समय है और समय से पहले का ये रेड अलर्ट है, जब नेताओं को समझना होगा कि अब वक्त आ गया है कि हतोत्साहित होते लोगों को अब कैसे रोका जाए। जो इंटर्न्स अभी हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, जो इंटर्न्स जो अपने शुरुआती फेज़ में हैं, वो इंटर्न्स जो वेटनरी डॉक्टर्स और बड़ा पशु चिकित्सक बनने का सपना लेकर आए थे लेकिन शुरुआती दौर में इस तरह से परेशान हैं, अगर वो इस तरह से परेशान रहेंगे तो क्या एक अच्छा भविष्य उनका हो सकेगा या फिर पशु चिकित्सा में कुछ अलग देखने को मिल सकेगा? उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ राजस्थान की आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं परेशान हैं और वेटनरी डॉक्टर्स परेशान हैं, इसको लेकर बातचीत लगातार हो रही है। लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि कहा था, हम एक बाइट आपको सुनवाएंगे। ये बाइट है डॉक्टर धर्म कुमावत की, जो कि प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट यूनियन वेटनरी कॉलेज बीकानेर से। वो क्या कुछ कह रहे हैं उसको ज़रा सुनिए। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत राज्य के अंदर 3 सरकारी कॉलेज संचालित हो रहे हैं, एक उदयपुर, जयपुर और बीकानेर में। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इन तीनों कॉलेज के अंदर हर वर्ष 240 स्नातक स्तर के वेटनरी डॉक्टर्स तैयार होते हैं और इन वेटनरी डॉक्टर्स के बनने के लिए यहाँ से पढ़ने वाले छात्र 4.5 साल का एकेडमिक और 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं और इस इंटर्नशिप के दौरान इस पशु चिकित्सकों को मिलने वाला इंटर्नशिप भत्ता मात्र 3500 रुपये दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और जो कि पिछले 10 वर्षों से संशोधित नहीं हुआ है। यदि राज्य के बाकी कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज की बात करें, उसमें MBBS के अंदर राज्य सरकार अभी 17,000 रुपये दे रही है, जिसमें 14,000 प्लस DA शामिल है। तो और आयुर्वेद के अंदर देखें, राज्य के अंदर संचालित होने वाली आयुर्वेद सरकारी कॉलेज के अंदर 23,500 रुपये स्नातक स्तर के इंटर्न डॉक्टर को दिए जाते हैं और BDS के अंदर भी यही 14,000 प्लस DA दिया जाता है। और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में वेटनरी इंटर्न डॉक्टर्स को दिए जाने वाला भत्ता भी राजस्थान की तुलना में काफ़ी राज्यों में ज़्यादा है। जैसे बात करें, केरल के अंदर 20,000 रुपये, कर्नाटका के अंदर भी 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अपन उड़ीसा के अंदर 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वही छत्तीसगढ़ के अंदर 8,000 रुपये का प्रतिमाह के तौर पर वेतन दिया जा रहा है इंटर्न डॉक्टर को। राजस्थान के अंदर हम पिछले 2 साल से सरकार को ये बार बार ज्ञापन देकर भी ध्यान में ला चुके हैं, कृषि मंत्री को भी बार बार ज्ञापन दिया जा चुका है, मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ना ही इसके ऊपर कोई नोटिस जारी करके इसको बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया है। ये विधा हमारे राजस्थान की विधानसभा में भी हमारे MLA साहब ने उठा चुके हैं, उस समय भी उनको बताया गया किस तरह से हमारे वेटनरी इंटर्न डॉक्टर्स के साथ भेदभाव किया जाता है। राज्य के अंदर समान योग्यता रखने वाले मेडिकल डॉक्टर को 14,000 रुपये प्लस DA दिया जा रहा है, लेकिन हमारे वेटनरी डॉक्टर्स को मात्र और मात्र 3500 रुपये राज्य सरकार दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है वेटनरी डॉक्टर्स के साथ। वेटनरी डॉक्टर्स अपने 1 साल के इंटर्नशिप के दौरान कई प्रकार की सेवाएं देता है, वो राज्य के पशुपालन विभाग। तो धर्म कुमावत साहब आपको अच्छे ढंग से समस्याओं को समझा रहे थे, हम भी समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए सीरीज को रखा गया है। लगातार हमसे जुड़ते रहिए, कल एक बार फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, सीरीज के अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के साथ।